हेलो हाय नमस्ते, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। डे 3 ऑफ रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, आज हम बात करने वाले हैं एफर्मेशंस की। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सुना होगा एफर्मेशंस के बारे में, बट हम उन्हें यूज़ कैसे करना है अपनी डेली लाइफ में वो भूल जाते हैं। हम सुबह उठते हैं, 100 एफर्मेशंस बोलते हैं, 10 एफर्मेशंस बोलते हैं, और फिर हम भूल जाते हैं थ्रू आउट द डे कि हमने उसे अप्लाई कैसे करना है। हमने शीशे में देख के बोल लिया, हमने लिख लिया, बट हम उसको अप्लाई करना भूल जाते हैं या हम उसका इफ़ेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में। सो हम बोलते हैं स्पेलिंग, ठीक है। स्पेलिंग आता है स्पेल से, तो जैसे आप जो बोल रहे हो वो वैसा वैसा सच हो रहा है, इसीलिए बोला जाता है यू क्रिएट योर रियलिटी थ्रू योर वर्ड्स। तो आप अपनी रियलिटी, आप अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हो अपने शब्दों के थ्रू, तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ अपने वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। एफर्मेशंस को यूज़ कैसे करना है, अब आपको सुबह उठ के एक सबसे पहले आपको एक जर्नल बनाना है। स्टार्ट राइटिंग योर एफर्मेशंस रेड पेन से, ठीक है। रेड पेन से सुबह उठ के अपनी एफर्मेशंस लिखनी है, चाहे आप 2 लिखो चाहे आप 4 लिखो, बट मेक श्योर वो एक एफर्मेशन जो है वो आपकी, दैट इज़ योर एफर्मेशन, और आप उसे कंटिन्यूअसली अगले कुछ दिनों तक, लेट्स से 1 महीने तक आप उसे कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, जब आप ये रोज़ लिख रहे हो तो आपकी वो एक एफर्मेशन पक्की हो गई। थ्रू आउट द डे, अब आप उठ गए हो, आपने एफर्मेशंस लिख ली, आपका डे शुरू हो गया, आप काम पे हो। अब बहुत से लोग हमें दिन में मिलते हैं, जैसे कि कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करते हैं, और कई बार हम, जैसे हमने शुरुआत करी थी कि टिकटॉक या इंस्टाग्राम के थ्रू हम बहुत कंटेंट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो जब आपको ऐसा लगे, हैवीनेस लगे, उसी टाइम पे आपको अपनी वही एफर्मेशन बोलनी है, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड फ्रॉम जो भी आप देख रहे हो। किसी की अगर बात सुन रहे हो तो आपको उसी टाइम पे वो एफर्मेशन अपने अंदर रिपीट करनी है, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड फ्रॉम जो भी चीज़ चल रही है। ये तो हो गई एफर्मेशंस, ये थ्रू आउट द डे आपको करना है। रात में सोने से पहले भी आपको अपने आप को वही चीज़ रिपीट करनी है, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। अब रात में आपको उस एफर्मेशन के साथ ग्रैटिट्यूड जोड़ देना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि आपको सुबह वो एफर्मेशन बोलनी है, दिन में उसे रिपीट करना है, और रात को सोने से पहले यू जस्ट हैव टू ऐड आई एम ग्रेटफुल फॉर इट, ओके। सो आई रियली होप कि आप लोगों को ये हेल्प करेगा, एंड मैं आपको मिलूंगी कल डे 4 पे। टिल देन बाय, स्टे ब्लेस्ड।